हेलो स्टूडेंट बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एनुअल पोर्शन में आपका चैप्टर 27 भी है, फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो हम आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में अवार्ड दिए गए थे, किसको मिले थे और क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फीफा कप ऑल्सो कॉल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट। कि फीफा कप जो है, जिसे फुटबॉल विश्व कप के भी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर आ गया कि फीफा कप को किस नाम से जानते हैं। तो फीफा कप को हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के नाम से भी जानते हैं और ये बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट और ये सबसे बड़ा खेल आयोजन है। तो हमें क्या करना है, राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन रीड करने हैं और उनके आंसर्स को बताना है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको पता तो चल गया होगा कि यहाँ पर फुटबॉल के बारे में ही सब चीज़ें हैं, है ना। तो फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पर सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2018 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड एट, 2018 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, रशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्कॉट फॉर 2018 फीफा वर्ल्ड कप। कि भाई फीफा विश्व कप के लिए, वह फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो मास्कॉट था, जो शुभंकर था, वो कौन था, वॉल्फ था। ठीक है, WOLF वॉल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा वर्ल्ड कप विनर 2018, फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे थे 2018 में, फ्रांस की टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप रनर अप 2018, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, फोर्थ है। तो फीफा विश्व कप का या फीफा वर्ल्ड कप के जो रनर अप रहे थे, उप विजेता रहे थे 2018 में, वो कौन रहे थे, कैरोएटा, CROATIA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल विनर, कि जो हमारी गोल्डन बॉल विजेता रही है 2018 में, वो कौन रही है, लुका मॉड्रिक रशिया, यानी कि ये इसका नाम क्या है, लुका मॉड्रिक, LUCA MODRIC, लुका मॉड्रिक रशिया। ठीक है, थोड़े से नाम की आपको स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी, क्या है स्पेलिंग, LUCA MODRIC से, लुका मॉड्रिक रशिया। कहाँ कहते हैं, रशिया कहते हैं, जिन्होंने क्या जीता है, गोल्डन बॉल। ठीक है, और कब, 2018 में, और किस में, फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट विनर। अब गोल्डन बूट विनर किसने जीता है 2018 में, हैरी केन्स, कौन है वो, हैरी केन्स, और कहाँ के हैं वो, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, HARYKANE, और कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो जो गोल्डन बूट विनर अप हैं वो कौन है, हैरी केन्स है इंग्लैंड के, गोल्डन बॉल विनर अप कौन है, लुका मॉड्रिक रशिया की हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लव विनर, कि जो गोल्डन ग्लव विनर है 2018 के, वो कौन है, थियो ब्यूट, और वो कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं, THIBAUT, थी ब्यूट, और कहाँ के हैं वो, बेल्जियम के हैं। और इन्होंने क्या जीता है, गोल्डन ग्लव विनर जीता है, और कब जीता है इन्होंने गोल्डन ग्लव विनर, 2018 में। नेक्स्ट है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप यंग प्लेयर अवार्ड विनर, कि 2018 में जो वर्ल्ड कप है वो युवा यंग प्लेयर कौन है, यानी कि यंग प्लेयर अवार्ड विनर किसको जीता गया, काइलियन एमपी, KYLIANMBAPPE। ठीक है, काइलियन एमपी कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, और कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने, यंग प्लेयर अवार्ड विनर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द गोल्डन ग्लोव विनर, गोल्डन ग्लोव विनर किसने जीता, हु इज़ द, है ना। तो आपको सब पता है कि क्वेश्चन किस तरह से बीच में से बनकर आते हैं और आपको किस तरह से उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ चैप्टर को बहुत अच्छे से ही लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2018 फीफा वर्ल्ड कप फेयर प्ले अवार्ड विनिंग टीम कि यहाँ पर जो फेयर प्ले पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, विनिंग टीम कहाँ की थी? वो स्पेन की थी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें सब चीज़ें बताई हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हमारा 2018 में, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? रशिया में किया गया था। उसके लिए मास्कोट यानी कि उसके शुभंकर कौन थे? वॉल्फ था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कौन विनर रहा? फ्रांस रहा। रनर अप कौन रहा? क्रोटिया रहा। गोल्डन बॉल विनर लुको मॉड्रिक रहा है, कहाँ के? इंग्लैंड, रशिया के। गोल्डन बूट विनर अप कौन रहा? हैरी केन्स रहा है, इंग्लैंड के। 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लव विनर कौन रहा? थी ब्यूटेन, कहाँ के? बेल्जियम के। यंग प्लेयर अवार्ड विनर कौन रहा है? काइलिन मैम्पीपी, कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। और जो फेयर प्ले अवार्ड विनिंग टीम है जो जीती है 2018 में, वो कहाँ की है? स्पेन की है। तो बच्चों देखो, जैसे आपका 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आ गए आपके, तो आपको चैप्टर 27 ये पूरा लर्न करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, बनेंगे भी क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड करना है, लर्न करना है, क्योंकि जितना सिलेबस में उतना आपके एग्जाम में आएगा। तो हर एक चैप्टर की वीडियो आपके पास आ रही है, आप उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपनी बुक में फिल करेंगे, और जब वीडियो सुनेंगे तो बुक को सामने रखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।